Hello children welcome back to my channel today i'm going to explain new class 4th poem the name of the poem is going to buy a book so let's get started one day grandfather gave my brother and me some money go and buy books he said we were both very happy वी बोथ लव टू रीड वन डे एक दिन ग्रांड फादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी मेरे दादाजी ने मेरे भाई और मुझे कुछ क्या दिए मनी यानी पैसे दिए और उन्होंने कहा गो एंड बाय बुक्स और इन पैसों से क्या करो जाओ और कुछ बुक्स लेके आओ ही सैड वी वर बोथ वेरी हैप्पी हम दोनों क्या हैं वो दोनों क्या हैं भाई ब्रदर सिस्टर्स ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए बिकॉज वी बोथ लव टू रीड वो क्यों खुश हो गए बिकॉज दे बोथ लव टू रीड उन्हें रीड करना बुक्स रीड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था तो जब उनके ग्रैंड ने उनको पैसे दिए और उनसे बोला कि कुछ बुक्स ले आओ और तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए अब वो एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं शुड वी गो नाउ हमें अभी जाना चाहिए शुड वी गो लेटर या हमें बाद में जाना चाहिए शुड वी गो टुडे या हमें आज जाना चाहिए शुड वी गो टुमरो या हमें कल जाना चाहिए वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ हमने क्या डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे इसी वक्त जाएंगे तो जो जो दोनों भाई बहन तो उन्होंने क्या डिसाइड किया हम अभी जाएंगे बुक लेने के लिए ठीक है ओके देन शुड वी गो टू द बिग मार्केट अब वो क्या बात कर रहे हैं आपस में कि हमें बिग यानि बड़ी मार्केट में जाना चाहिए शुड वी गो टू द स्मॉल मार्केट या हमें कोई स्मॉल मार्केट में यानी छोटे शॉप में जाना चाहिए छोटे दुकान में जाना चाहिए शुड वी गो विथ समी हमें किसी के साथ जाना चाहिए शुड वी गो ए लोन या हमें अकेले जाना चाहिए वो आपस में दोनों भाई बहन बातें कर रहे हैं ठीक है वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप अब उन्होंने क्या इतनी सारी बातें करने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक छोटी शॉप में जाएंगे जस्ट द टू ऑफर्स ना किसी के साथ जाएंगे हम दोनों ही जाएंगे ठीक है वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप जब वो जा रहे थे मार्केट में तो उन्होंने एक छोटी सी बुक शॉप देखी जो उन्हें अच्छी लगी इट इज़ स्मॉल वो छोटी थी बट इट हैज़ मैनी बुक्स बट उस जो जो शॉप थी यानी जो दुकान थी छोटी सी उसमें बहुत सारी बुक्स थी द मैन इन द शॉप लाइक्स अस जो उसमें जो आदमी बैठे हुए थे वो उन बच्चों को बहुत पसंद करते थे ही ऑलवेज हेल्प अस वो क्या है उनकी हमेशा मदद भी करते थे तो वो उस दुकान में चले गए शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉर्ड्स ऑफ पिक्चर्स अब वो जो मैन हैं उस शॉप के जो दुकानदार हैं वो उनसे पूछ रहे हैं शुड आई बाय अ बुक विथ लॉर्ड्स ऑफ पिक्चर्स क्या हमें पिक्चर्स वाली बुक्स ख़रीदनी चाहिए शुड आई buy अ बुक्स with अ लॉट ऑफ स्टोरीज या हमें स्टोरीज़ वाली बुक्स खरीदनी चाहिए शुड आई buy अ thin बुक या हमें कोई पतली सी बुक ख़रीदनी चाहिए आई कुड नॉट डिसाइड हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो हम आपस में बात कर रहे थे तो वो शॉप भी वहाँ थे तो उनसे पूछ रहे थे उन्हें नहीं समझ आ रहा था क्योंकि तो जब आप किसी शॉप में जाते हो जहाँ पे आप आपको बहुत सारी बुक्स देखती है आपको नहीं समझ आता कि आप कौन सी बुक्स ख़रीदो तो सेम सिचुएशन उन के साथ भी हो रही थी तो जब उन्होंने उनसे पूछा उन शॉपकीपर से वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कौन सी बुक खरीदे द मैन इन द शॉप स्माइल एटर्स जो शॉपकीपर थे वहाँ के शॉप के तो उनको वो स्माइल करने लगे क्योंकि वो उनसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो इतने कंफ्यूज हो रहे थे उन्होंने स्माइल किया उन उनसे उन पर एंड उन्होंने बोला रिलैक्स कम विद मी रिलैक्स मेरे साथ आओ ही सैड दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स वो उनको ले गए उन्होंने कुछ उनको बुक्स दिखाई वो बता रही थी कि ये जो बुक्स हैं ये एनीमल्स के बारे में है दोज़ आर अबाउट मशीन्स ये जो बुक्स है ये मशीन्स के बारे में है दोज ओवर देयर आर अबाउट वर्स जो यहाँ पर हैं ये वर्ड्स को लेके हैं है न टेक वट यू वॉन्ट जो तुम्हें चाहिए तुम्हें एनिमल्स की चाहिए तुम एनिमल्स वाली लो ये मशीन्स वाली है मशीन्स वाली लो अगर आप तुम्हें वर्ड्स वाली तो वर्ड्स वाली लो टेक वट यू वॉन्ट जो तुम्हें चाहिए वो तुम बुक्स ले सकते हो आई पिक्ड सम बुक्स मैंने क्या है कुछ बुक्स निकाल ली माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स निकाल ली आई सेट ऑन द फ्लोर मैं कहाँ बैठ गई फ्लोर पर बैठ गई ही सेट ऑन द चेयर और जो मेरा भाई है वो कहाँ पे बैठ गया आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर्स में बहुत सारी बुक्स रखी हैं पीछे से जो उसकी सिस्टर्स है वो नीचे बैठ गई और वो चेयर में बैठ गया ही सेट ऑन द चेयर एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड और हम जो बुक्स हम जो हमने निकाली थी उन बुक्स को पढ़ने में लगे थे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे अब जब वो पढ़ रहे थे इट वॉज़ वेरी क्वाइट बहुत शांति थी है you ना know? देर वॉज़ नो साउंड कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी वो शांति से उसे पढ़ रहे थे वन आर पास्ट एक घंटा बीत गया टू आर पास्ट दो घंटे बीत गए फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कौन सी बुक्स ख़रीदनी है वो समझ गए कि हमें कौन सी बुक्स ख़रीदनी बिकॉज जो इतनी देर से उनको कन्फ्यूज़न हो रहा था कि हम क्या ख़रीदें कौन सी ख़रीदें उन्होंने शॉपकीपर से भी पूछा लास्ट में जब उन्होंने रीड किया बहुत सारी बुक्स को तो उन्हें समझ आया कि हमें कौन सी बुक्स ख़रीदनी है द मैन इन द शॉप स्माइल लेटर्स दोबारा क्या है जो बुक शॉप जो शॉपकीपर थे वहाँ के बुक शॉप वाले उन्होंने दोबारा उन बच्चों को देख के क्या किया स्माइल किया आई गॉट अ फैट बुक विध मैनी स्टोरीज मैंने क्या ख़रीदा एक मोटी सी किताब खरीदी बुक खरीदी जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ थी माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक मेरे भाई ने एक बड़ी सी बुक खरीदी विद मैनी पिक्चर्स में बहुत सारी पिक्चर्स बनी थी वी रैन होम टू आर ग्रैंड फादर जब हमने बुक्स खरीद ली हम अपने किसके पास गए ग्रैंडफादर के पास क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने ही उनको मनी दिया था और मनी देके के ये बोला था कि जाओ और कुछ बुक्स खरीद के ले आओ सो वी रैन होम टू आर ग्रैंडफादर हमारे भाग के हम अपने ग्रैंडफादर के पास गए वी क्लाइम्ड ऑन हिज़ बेड जो उनके ग्रैंडफादर थे वो बेड में बैठे हुए थे यू नो बिस्तर पर बैठे हुए थे सो वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड हमने क्या करा कूद मारी उनके बेड में बिस्तर पर ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन उन्होंने अपने आर्म्स को हमारे कंद धों पर रखा एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड हमने क्या करी बुक्स खोली और हमने उसे पढ़ा पढ़ा और पढ़ा तो जो इसके पोएट हैं वो है रुकमनी बैनर्जी आई होप जो ये पोम मैंने आपको समझाई है ये पोम भी है ये स्टोरी है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी पोम जैसी भी है और थोड़ी थोड़ी स्टोरी जैसी भी है तो ये दोनों का ही मिक्सचर है सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी और अगर आ गई है तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब और आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिली चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चिल्ड्रन ओके देन बाय